हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के भंग होने के बाद से परीक्षाओं के परिणाम लटके हुए हैं, जिससे बेरोजगार युवाओं का भविष्य अधर में है। बेरोजगार युवा लंबे समय से जांच के दायरे से बाहर है। परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की सरकार से गुहार लगा रहे हैं और आज भी युवा इसी मांग को लेकर शिमला पहुंचे और मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री से मिलना नहीं हो पाया। अभ्यर्थियों ने बताया कि पिछले साल से उनके परीक्षाओं के परिणाम घोषित नहीं हो पाए, जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़ गया। कई बार सरकार से जांच के दायरे से बाहर परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की मांग की जा चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हो पाया, जिससे युवा मानसिक प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों से आज बेरोजगार युवा मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री कांगड़ा के लिए रवाना हो गए हैं और अभ्यर्थियों से नहीं मिले, जिससे युवा खासे परेशान है। पहले ही बेरोजगारी के कारण युवा प्रताड़ित है और अब परीक्षाओं के परिणाम लटकने से मानसिक तनाव में भी है। न्यूज डेस्क एनवन लाइव। मेरा नाम मोहिंद्र शर्मा है, मैं बिलासपुर से हूँ। कोर्ट 980 के लिए हम यहाँ आज आए थे। सीएम साहब हमें इग्नोर करके चले गए, उन्होंने गलत किया। 980 में सिर्फ एक अभ्यर्थी सुनीता देवी, जो विजिलेंस वालों ने बताया है, सिर्फ वही पकड़ी गई है। बाकी पोस्ट की पूरी जांच हो चुकी है, तो 980 का रिजल्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए। हमारी सरकार से विनम्र निवेदन है 980 और जितने भी पेंडिंग रिजल्ट हैं, जिनको विजिलेंस से क्लियरेंस मिलती रहेगी, उनके सारों के रिजल्ट निकाल दें। मेरा नाम राजू सर, मैं कुल्लू से आया हूं सर। आज सर हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं सर, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, हम सब जगह से आए हैं सर, सभी डिस्ट्रिक्ट से आए सर, अलग अलग जगह से आए बंदे हैं। तो आज सर हमारा मेन मुद्दा यही है सर हमारा, कि जो हमारे पेंडिंग रिजल्ट रुके हुए हैं सर, जो SPSSC के थ्रू जो एग्ज़ाम हुए थे सर सितंबर और अगस्त में 2022 में, तो हम चाहते हैं सर कि उनके रिजल्ट जो जल्द से जल्द डिक्लेयर किए जाएँ सर, सर कि रिजल्ट जो जल्द से जल्द दिए जाए और जो यूथ को जो और फ्रस्ट्रेट ना किया जाए सर। हम लोग सर बहुत ऑलरेडी सफ़र कर चुके हैं सर, हम सर दिन रात मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे सर, और हमने जो एग्ज़ाम क्लियर किए सर, हम चाहते सर कि उनका फल जो है हमें मिले सर, हमारी बातों को सुना जाए, हमारी मांगों को अनदेखा ना किया जाए सर। हमने सर इलेक्ट्रिकल के दिए थे सर 971, 972, 973, 974 एंड 975, जो कि सर सारे बिजनेस की तरफ से क्लियर है सर। तो हम चाहते हैं सर कि इसमें और विलंब ना किया जाए और हमें जो हमारे रिजल्ट दे दिए जाएँ, ताकि हम लोग सर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके सर। बस हमारी एकमात्र यही मांग है सर कि रिजल्ट जो है जल्द से जल्द और हमें सर दिए जाएँ, बस एकमात्र हमारी यही मांग है सर।